ये कहानी बहुत पुरानी है। एक जंगल था जहाँ दो पेड़ थे, एक बरगद का और एक पीपल का। वो अच्छे मित्र थे, पर पीपल का स्वभाव थोड़ा रूखा था, लेकिन बरगद का पेड़ बहुत पुराना और समझदार था। और भाई पीपल, आज मौसम कितना अच्छा है, धूप निकली है। कहाँ अच्छा है, मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है। सब मौसम का आनंद लेना चाहिए दोस्त, यही धूप ही तो है जो हमको जीवन देती है। ये अगर कम होती तो तुम इतने विशाल ना होते। हाँ हाँ ठीक है, पर मुझे तो ठंड पसंद है। बिल्कुल, ठंड तो मुझे भी पसंद है, पर आज जो मिल रहा है उसका आनंद तो ले लूं। तभी वहाँ से मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड गुजर रहा था। रानी मक्खी वहाँ रुकी और बोली, सेनापति ये जगह हमारे लिए ठीक है, यहाँ काफी छाया है, हम अपना छत्ता यहीं पे कहीं बनाते हैं। ये पीपल का पेड़ अच्छा रहेगा। अरे नहीं नहीं, मेरी तरफ देखना भी मत, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे ऊपर घर बनाए, एक तो वैसे ही इतनी गर्मी लग रही है। अरे पीपल भैया, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आपकी छाया हमारे घर के लिए अच्छी है, हम मक्खियाँ बड़ी मेहनत से काम करती है। ना बाबा ना, मैंने तुमको बोला ना मेरे यहाँ तुम्हारा घर मत बनाना, मैंने आज तक किसी पंछी को भी अपने पास नहीं आने दिया, बहुत चोंच मारते हैं। वही बरगद का पेड़ ये सारी बातें सुन रहा था। वो धीरे से बोला, अरे पीपल भैया इतने शक ना बनो, तुम्हारी शीतल छाया अगर किसी के काम आती है तो तुमको तो खुश होना चाहिए, वैसे ये मधुमक्खियाँ तो कभी पेड़ों को नुकसान भी नहीं पहुँचाती है, इनकी मदद तो कर ही सकते हो। ऐसा है बरगद भैया, तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है, अगर तुमको इतना पसंद आ रही है ये मधुमक्खियाँ तो क्यों तुम ही नहीं दे देते इनको आसरा। बरगद काका आप समझदार है, अगर आप हमको अपना छत्ता बनाने देंगे तो हम आपका उपकार मानेंगे। अरे जरूर, मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना घर मेरी छाया में बनाओगे, मुझे भी बहुत सारे नए दोस्त मिल जाएंगे। चलो सब खुश, और प्लीज अपनी मक्खियाँ मेरे से तो दूर ही रखना। मिल गई लाखन भैया, मिल गई, ठीक जैसी लकड़ी की तलाश थी वैसी ही लकड़ियाँ हैं। ये बरगद की लकड़ी का बहुत माल मिलेगा, चलो इसको ही काटते हैं। क्या शानदार पेड़ है, बहुत पुराना होगा, चलो आज इसका ही नंबर है, आ जाओ। अरे रुको 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 रुको, इस पेड़ पे तो मधुमक्खियाँ रहती हैं बहुत सारी, अगर हलचल हुई तो ये हमको ना काट ले, सुना है जंगली मधुमक्खियाँ काट काट के सुझा देती है। आज ना सुझाओ भैया, इस पेड़ को रहने ही दो, वो देखो वो पीपल का पेड़ है, उसको काटा तो कोई मक्खी हमें तंग नहीं करेगी, वो भी बहुत सुंदर है, माल मिलेगा। माल तो उसका भी बहुत अच्छा मिलेगा, चलो फिर उसका नंबर आ गया। फिर वो लकड़हारे जोर जोर से कुल्हाड़ी से पीपल के पेड़ को काटने लगे। बरगद की आवाज सुनी और देखा, उसको बहुत दुख हुआ। ये लकड़हारे मेरे दोस्त को काट रहे हैं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। अरे हाँ मक्खी रानी, मक्खी रानी जल्दी बाहर आओ। बरगद दादा क्या हुआ, कहो क्यों बुलाया मुझे। बहुत गड़बड़ हो गई है मक्खी रानी, वो देखो उधर वो लकड़हारे मेरे दोस्त पीपल को काट रहे हैं, तुम कुछ करो वरना वो मर जाएगा। हाँ जरूर हम लड़ेंगे, बरगद दादा के दोस्त को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कुल्हाड़ी भी नहीं लगा सकता। सेनापति मेरा हुक्म है, अपनी सेना को इकट्ठी करो और वो दो इंसानों को सुजा डालो। छोड़ेंगे नहीं इनको रानी साहिबा, हर हर महादेव। फिर मधुमक्खियों ने झुंड बनाया और उन लकड़हारों पे आक्रमण कर दिया। अयो ये क्या काटा मुझे, आउच, आई बहुत सारी मक्खियाँ हैं यहाँ, काट लिया रे, हमने तो इनके पेट को हाथ भी नहीं लगाया। आह मुझे भी काटा, भाग नंदु भाग, बहुत गुस्से में है ये, फौरन चल यहाँ से, उठा कुल्हाड़ी भाग। भागो।
और लकड़हारे भाग गए। पिंपल को अपनी गलती का एहसास हुआ। मक्खी रानी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुमको बुरा भला कहा, पास भी आने के लिए मना किया, और तुमने ही आज मेरी जान बचाई। बहुत दर्द हो रहा है, बड़ी बेरहमी से पीटा है जालिमों ने मुझे। पीपल भैया, ये तो हमारा धर्म था, और आप शुक्रिया करो बरगद का, जिसने हमको वक्त रहते बुला लिया। बरगद दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा से जानता था कि आप ही मेरे सच्चे मित्र हो। सच्चे मित्र बुरे वक्त में ही काम आते हैं। मैं खुश हूँ मेरा दोस्त बच गया और तुमको अपना सबक मिल गया। चलो मखीरानी, अब अपनी एक ब्रांच इसकी ब्रांच पे भी खोल लो, लकड़हारे दूर रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छे दोस्त हमेशा काम आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।